कर्नाटक में 10 दिन के भीतर दूसरी बार 12वीं का पर्चा लीक हो गया। हजारों छात्रों का भविष्य एक साथ अधर में लटक गया है। गुस्साए छात्र और उनके अभिभावक अब सड़कों पर उतर आए हैं। बेंगलुरु की सड़कों पर हंगामा मचा हुआ है। कर्नाटक के सैकड़ों छात्र सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल कर्नाटक में 12वीं क्लास का केमिस्ट्री पेपर लीक हो गया, जिसके चलते परीक्षा रद्द करनी पड़ी और नतीजा ये हुआ कि हजारों छात्र और उनके अभिभावक सड़कों पर उतर। डिपार्टमेंट ऑफ प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन भवन के सामने हिंसा ऐसी भर गई कि पत्थर बरसने लगे, कई खिड़कियों के शीशे टूट गए। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब केमिस्ट्री का पेपर लीक हुआ है। 10 दिनों के भीतर ऐसा दूसरी बार हुआ है। इससे पहले 21 मार्च को होने वाली केमिस्ट्री की परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया था, जिसके बाद 31 मार्च को दोबारा तारीख तय की गई थी। इस मामले की जांच सीआईडी को सौंपी गई थी, लेकिन कोई नतीजा आता उससे पहले दूसरी बार केमिस्ट्री के पेपर लीक हो गए। अब छात्रों और अभिभावकों का सब्र जवाब दे गया और उन्होंने सड़कों पर विरोध का मोर्चा संभाल लिया। इधर इतना पुलिस लोग आया है, 1000 के ऊपर पुलिस लोग है। वही सिक्योरिटी अगर पेपर देखने में होता था वो आज ये नौबत देखने को नहीं मिलता था। इस परीक्षा में करीब 1,74,000 छात्र शरीक हो रहे हैं, लेकिन पेपर लीक होने से उनके भविष्य पर सवाल खड़ा हो गया है। सवाल हजारों छात्रों के भविष्य से जुड़ा है, इसलिए ये घमासान अब सियासी गलियारों में भी गूंजने लगा है। विपक्ष इस मुद्दे पर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है, जबकि सिद्धारमैया सरकार का कहना है कि मामले की जांच चल रही है, पर विपक्ष जानबूझकर इस मुद्दे को हवा दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़।